सन 2009 में मैंने अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट किया था। टारगेट था $2,000 से $3,000 महीने कमाना। एक साल बीत गया, एक साल का टोटल इनकम था 15,000 से 20,000 रुपया। फिर मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया। इस बार अच्छे से कंटेंट राइटिंग सीखा, SEO सीखा, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा, ईमेल मार्केटिंग सीखा। दूसरे साल का टोटल इनकम था 40,000 से 50,000 रुपया। 2011 तक मुझे डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी अच्छा नॉलेज आ चुका था, लेकिन ब्लॉग का टॉपिक गलत था, मेरे इंटरेस्ट का नहीं था और कंपटीशन काफ़ी था। 2012 में मैंने अपने दो ब्लॉग स्टार्ट किए, एक था मनी कनेक्शन, दूसरा श्योर जॉब। अपना डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मैंने इन ब्लॉग्स पर इम्प्लीमेंट किया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 2012 के अंत तक मैंने $2,000 क्रॉस किया था। 2013 के अंत तक मैंने महीने का $3,000 क्रॉस किया था। 2017 के अंत तक मैं महीने का $20,000 क्रॉस कर चुका था और 2018 तक मैंने अपने ब्लॉग से $1,000,000 से भी ज़्यादा कमा चुका था। ऑल थैंक्स टू ब्लॉगिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, द हॉटेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया टू बी सक्सेसफुल एंड रिच। क्या आप जानते हैं कि किस तरह से एक ब्लॉग आपका पूरा करियर चेंज कर सकता है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक जॉब सीकर हैं या कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आप एक हाउसवाइफ है, रिटायर्ड है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप अपनी सैलरी से और जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो आइए देखते हैं कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग को कैसे स्टार्ट किया जाए और ब्लॉग आपके लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके थॉट्स, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप एक ब्लॉग के जरिए कर सकते हैं। आप इंटरनेट ब्राउज़र पे जो भी डोमेन या URL ओपन करते हैं, या तो वो वेबसाइट है या एक ब्लॉग है, जैसे कि गूगल, विकिपीडिया, फेसबुक, अमेज़ॉन, न्यूज़ वेबसाइट्स, मेरी DMatic Digital.com, ये सब वेबसाइट्स हैं, या फिर श्योर जॉब, मनी कनेक्शन, योर स्टोरी, मिस मैलिनी, सीनियर बच्चन, ये सब ब्लॉग्स हैं। बेसिकली तीन टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, या तो ये सिर्फ एक वेबसाइट है, या एक ब्लॉग है, या वेबसाइट प्लस ब्लॉग है। ऑलमोस्ट सारी पॉपुलर वेबसाइट्स पर आपको उनका ब्लॉग मिलेगा। ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस ये है कि आपका ब्लॉग रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते हैं, आपके कंटेंट रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपीयर होते हैं, मतलब आपके नए कंटेंट ऊपर आते हैं और पुराने कंटेंट नीचे जाते हैं। यूजुअली आपके ब्लॉग में चार मेन पार्ट्स होते हैं। पहला हेडर, जहां पर आपका लोगो और नेविगेशन मेन्यू होता है। दूसरा मेन कंटेंट पार्ट, जहां पर आपका कंटेंट और कमेंट्स होते हैं। तीसरा साइड बार, जहां पर आप विजिट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पॉपुलर या रिसेंट पोस्ट, सब्सक्रिप्शन बटन्स, सोशल मीडिया आइकॉन्स और एफिलिएट बैनर या एड्स। चौथा फुटर, जहां पर आप सेकंड नेविगेशन मेन्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अबाउट यू, कॉन्टेक्ट अस, होम पेज एट्सेट्रा। यूजुअली आपके वेबसाइट के किसी भी पोस्ट या पेज पर जाओगे तो सिर्फ कंटेंट पार्ट चेंज होता है, हेडर, साइड बार एंड फुटर चेंज नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया कि ब्लॉग क्या है तो आइए देखते हैं कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट किया जाए। आपको ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला डोमेन, दूसरा होस्टिंग और तीसरा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। डोमेन मतलब आपके वेबसाइट का नाम, जैसे कि google.com, amazon.in, moneyconnexion.com, dmaticdigital.com। डोमेन नेम मिनिमम दो पार्ट्स का होता है, पहला नेम ऑफ योर चॉइस एंड दूसरा डोमेन एक्सटेंशन। फर्स्ट पार्ट में आपकी वेबसाइट का नाम या कोई निश टॉपिक चूज़ कर सकते हैं या कोई ब्रांड नेम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम है प्रीतम नगराले, तो मैं अपने ब्लॉग का नाम pritamnagrale.com रख सकता हूँ, या कोई कीवर्ड जैसे कि surejob.in, जो इंडिकेट करता है कि ये ब्लॉग जॉब्स एंड करियर से रिलेटेड है। दूसरा पार्ट होता है डोमेन एक्सटेंशन, जैसे कि .com, .in, .co, .in, .org, .info और काफ़ी सारे। अगर आपका टारगेट ऑडियंस ग्लोबल है तो आप .com, .net, .org, .co, .info यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट ऑडियंस इंडिया है तो आप .in, .co, .in यूज़ कर सकते हैं।
आपको डोमेन चूज करने में थोड़ी मेहनत लग सकती है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे अच्छे डोमेन्स बुक हो चुके हैं। अगर आप 20 से 25 डोमेन्स अलग अलग डोमेन्स एक्सटेंशंस के साथ ट्राई करते हैं तो 2 से 3 डोमेन्स अवेलेबल हो सकते हैं। रिसर्च करने के बाद आप आपके शॉर्टलिस्टेड डोमेन्स में से कोई एक डोमेन फाइनल कर सकते हैं। आप जो भी कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट पर देखते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, वो सब एक फाइल होती है। इन फाइल्स को स्टोर करने के लिए आपके पीसी में हार्ड डिस्क होती है, आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है। आपके कंप्यूटर या मोबाइल की फाइल्स को सिर्फ आप देख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जो भी वेब पेजेस होते हैं, इमेजेस होती है, वीडियोस होते हैं, उसको दुनिया में कोई भी देख सकता है, क्योंकि इंटरनेट पर दिखने वाली हर फाइल्स ऐसे कंप्यूटर्स में स्टोर्ड होती है जो पूरी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स को सर्वर कहते हैं। आप अगर आपकी वेबसाइट बनाते हो तो आपके वेब पेजेस, इमेजेस या वीडियोस को स्टोर करने के लिए आपको ऐसे सर्वर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सर्वर काफ़ी महंगे होते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो कि आपकी वेबसाइट को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको एक डिस्क स्पेस देती है, यानी कि आपकी वेबसाइट को होस्ट करती है। ऐसी कंपनीज को वेब होस्टिंग कहते हैं। डोमेन खरीदने के बाद आपकी वेबसाइट को लाइव करने के लिए होस्टिंग खरीदना होता है। होस्टिंग कई टाइप्स की होती है, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग जो कि सबसे सस्ती होती है, VPS और क्लाउड होस्टिंग जो कि थोड़ी महंगी होती है, और डेडिकेटेड होस्टिंग जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। जब आप अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आपको सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग काफ़ी होती है, जिसका एक साल का प्राइस 5 से 6 हज़ार रुपये का होता है। मैं क्लाउड होस्टिंग यूज़ करता हूं, जिसका साल का मैं 1.5 लाख से ज़्यादा पे करता हूं। अगर आपको एक ब्लॉग बनाना है तो आपको एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। इंटरनेट में बहुत सारे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि वर्डप्रेस, ब्लॉगर, विक्स, जुमला, द्रुपाल। इनमें से वर्डप्रेस सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट पर 35% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस से बनी हैं और 90% से भी ज़्यादा ब्लॉग्स वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस एक सबसे सिंपल और अच्छा तरीका है ब्लॉग्स और वेबसाइट्स बनाने का। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब कोई भी वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज़ कर सकता है और इसको चेंज कर सकता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ऐसा टूल जो कि आपके वेबसाइट के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि कंटेंट को मैनेज करना, वो भी बिना किसी कोडिंग और प्रोग्रामिंग की नॉलेज के बिना। जब वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था कई साल पहले, तब इससे सिर्फ ब्लॉग बनाया जा सकता था, लेकिन वर्डप्रेस का कंटिन्यूस डेवलपमेंट और हज़ारों थीम्स एंड प्लगइन डेवलपर्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से आज वर्डप्रेस को यूज़ करके किसी भी तरह के वेबसाइट, जैसे कि बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और कई तरह की साइट्स बनाई जा सकती हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज के। कुछ साल पहले तक आपको डोमेन एंड होस्टिंग खरीदना होता था और उस पर वेबसाइट इंस्टॉल करना होता था, लेकिन आज की तारीख में काफ़ी सारी होस्टिंग कंपनीज हैं जो डायरेक्ट वर्डप्रेस होस्टिंग सेल करती है। मैं पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट सारी होस्टिंग कंपनीज यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट एंड रिलायबल लगती है वो है ब्लू होस्ट। खुद वर्डप्रेस और वर्ल्ड के पॉपुलर ब्लॉगर्स ब्लू होस्ट को ही रिकमेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी होस्टिंग कंपनीज ख़राब है। आप दूसरी होस्टिंग कंपनीज भी चेक कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ब्लू होस्ट का एग्जाम्पल लिया है और डिस्क्रिप्शन में मेरी ब्लू होस्ट की पार्टनरशिप लिंक है, जिससे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ब्लू होस्ट से किस तरह से ब्लॉग सेटअप किया जाए। सबसे पहले आप ब्लू होस्ट की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे। अब आप इस ग्रीन कलर के गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करिए। अगले पेज पर आपको होस्टिंग प्लान चूज करना है। यहाँ पर आपको 3 होस्टिंग प्लान मिलेंगे। अगर इसके जगह कोई दूसरा पेज ओपन होता है तो आप यहाँ ऊपर वर्डप्रेस पर अपना माउस लेकर जाइए।
और वर्डप्रेस होस्टिंग पर क्लिक करिए। उसके बाद चूज प्लान पर क्लिक करिए। ये बेसिक प्लान है जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। उसके बाद ये प्लस प्लान है और लास्ट में ये चॉइस प्लस है। इस प्लान में आप सिर्फ एक डोमेन चूज कर सकते हैं और 50 GB तक का वेबसाइट स्पेस मिलेगा। बाकी दो प्लान में आपको अनलिमिटेड डोमेन यूज़ कर सकते हैं और आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक डोमेन यूज़ करना चाहते हैं तो आप बेसिक प्लान ले सकते हैं, और अगर आप 2-3 या ज़्यादा वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप ये प्लस प्लान ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन उनको सक्सेस मिलती है अपने दूसरे या तीसरे ब्लॉग से। अगर आप ये सेकंड प्लान लेते हैं तो बाद में यदि आपको आपका दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आप सिर्फ नया डोमेन परचेस कर सकते हैं जो सिर्फ 400-500 रुपये में आता है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड प्लान के प्राइस में कितना डिफरेंस आता है। तब तक के लिए मैं ये बीच वाला प्लान चूज करता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना डोमेन चूज करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 तरीकों से आप अपना डोमेन चूज कर सकते हैं। पहला, आप अपने नाम से, जैसे मेरा नाम है प्रीतम नगराले, तो मैं ले सकता हूँ pritamnagrale.com या .in या priyasharma.com.in। दूसरा, कीवर्ड कॉम्बिनेशन से, जैसे fitmyway.com, businesssense.in, bestmobilecovers.net, betterinvestmentideas.com, या फिर तीसरा तरीका, जैसे ब्रांड नेम से, जैसे कि google.com, rediff.com, flipkart.com, mintra.com। तो अगर आपका डोमेन आप डिसाइड कर लेते हैं और अवेलेबल होता है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा कंफ्यूज है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और बाद में डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए आई विल क्रिएट माई डोमेन लेटर पे क्लिक करिए। मैंने अपने डोमेन डिसाइड किया है जिसका नाम है digitalmarketingcourseinmumbai.com। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ नेक्स्ट पेज पर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर अपना नाम डालिए, यहाँ पर लास्ट नेम यानी सरनेम, या अगर आपका बिजनेस हो तो बिजनेस का नाम डालिए, कंट्री इंडिया चूज करिए, आपका एड्रेस डालिए, सिटी मुंबई या आपकी जो सिटी है, स्टेट डालिए, स्टेट के बाद पिन कोड डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए। यहाँ पर नीचे आके मैं इसका प्राइस देखता हूँ। टोटल अमाउंट 300 से भी ज़्यादा डॉलर्स हो रहे हैं, अराउंड $385। अभी हम इस अमाउंट को कम करेंगे। सबसे पहले आप 36 मंथ की जगह 12 महीने करिए। यहाँ पर देखिए, जो आपने डोमेन चूज किया है वो आपको फ्री मिल रहा है। आपको SSL भी फ्री में मिलेगा, जिसकी वजह से आपका साइट HTTP से HTTPS हो जाएगा, जो आपके साइट के विजिटर्स को एक ट्रस्ट देता है कि आपकी साइट सेफ एंड सिक्योर्ड है। आपको ये डोमेन प्राइवेसी, साइट लॉक एंड कोड गार्ड की जरूरत नहीं है, तो इसको अनटिक कर सकते हैं। अभी यहां पर देखिए, टोटल $105 हो रहा है और आपको अराउंड 40% से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। $105 में आपको एक साल की होस्टिंग और एक साल के लिए डोमेन फ्री मिल रहा है। आप इस होस्टिंग में 2-3 या ज़्यादा डोमेन ऐड करके डिफरेंट टाइप के ब्लॉग बना सकते हैं। डोमेन्स का प्राइस 400 से 500 रुपये होता है। अगर आप पहली वाली बेसिक होस्टिंग चूज़ करते हैं तो आपको 12 महीने के लिए फ्री डोमेन के साथ $60 के अंदर होस्टिंग मिल जाएगी। अगर आप लकी हुए तो आपको और भी अच्छा ऑफर मिल सकता है। पर $4.95 में
होस्टिंग ऑफर पर मंथ के हिसाब से होस्टिंग ऑफर कर रहा है। मैं क्लेम सेविंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और वापस मैं अपना प्राइस चेक करता हूँ। अभी देखिए $105 से डायरेक्ट मुझे $83 में एक साल की होस्टिंग डोमेन फ्री, और मैं मल्टीपल डोमेन्स अप या मल्टीपल ब्लॉग्स बना सकता हूँ इस होस्टिंग के साथ। अभी आपको यहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालना है, यहाँ पर टर्म्स ऑफ सर्विस को टिक करिए और सबमिट बटन पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पेज पर आपको सक्सेस या कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ सकता है, यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर पासवर्ड चूज करना है, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको चूज करना है, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करिए, यहाँ गो टू लॉगिन पर क्लिक करिए। अभी आपको यहाँ पर आपका ब्लॉग क्रिएट करना है, यहाँ पर आपकी साइट का नाम जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई बेस्ट क्लासरूम, ट्रेनिंग, यहाँ पर आप यू एडेड ब्लॉग पर चूज करिए, कंटिन्यू, आपका यहाँ पर गोल डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो आपको लगता है वो चूज कर सकते हैं, बिगनर है तो ये चूज कर सकते हैं, कंटिन्यू टू थीम सिलेक्शन। नेक्स्ट पेज पर आपको आपके ब्लॉग के लिए थीम चूज करना है, आपको कोई थीम अच्छी लगती हो तो चूज करिए, अदरवाइज स्किप बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर ब्लू होस्ट ने आपका डोमेन आपका होस्टिंग पे टेम्प्रेरी डोमेन ऐड किया हुआ है, जो कि कुछ समय के बाद आपका जो एक्चुअल डोमेन जो आपने ये चूज किया था वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, या अगर आपने उस समय स्किप किया था तो बाद में आप अपना डोमेन चूज कर सकते हैं और इसमें वो ब्लू होस्ट ऑटोमेटिकली आपको ऐड कर देगा। यहाँ पर ब्लू होस्ट ने देखो यहाँ पर रिकमेंडेशन में आपको बताया है कि आप फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट देन ऐड योर अबाउट मी पेज, सेटअप कैटेगरीज, इंपोर्ट योर इमेजेस, लोगो और अदर मीडिया, सेटअप योर ऑथर प्रोफाइल। डोंट वरी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ से आप डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। इस तरह से आपका ब्लॉग का वर्डप्रेस डैशबोर्ड दिखेगा। आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है तो जो आपने डोमेन नेम चूज किया है उसके आगे wp-admin ऐड करना है। जैसे कि मेरा अभी मैंने जो डोमेन लिया है वो है digitalmarketingcourseinmumbai.com, तो मेरा वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड का URL रहेगा digitalmarketingcourseinmumbai.com/wp-admin। फिर आपको आपका वर्डप्रेस का ईमेल एड्रेस या यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, तो आप लॉगिन करने के बाद आपको यही सेम स्क्रीन मिलेगा। आपको एक पुश से वेरिफिकेशन ईमेल आ सकता है, आपको आपके डोमेन को एक्टिवेट करने के लिए वो वेरिफिकेशन ईमेल को चेक करना है, वहाँ पर एक लिंक दी है, उस लिंक को क्लिक करना है और आपके डोमेन को एक्टिवेट करना है। आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपके डैशबोर्ड में हर एक ऑप्शन का क्या मतलब होता है और आपके ब्लॉग को सक्सेस बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स के थ्रू नीचे बताइए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।